हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिशन। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, कुनाफा रेसिपी, जिसे हम लेयर्स में बनाएंगे और बहुत ही इजी वीसी बनकर तैयार होती है और डिलीशियस भी बहुत बनती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं कुनाफा। कुनाफा बनाने के लिए मैंने दो पैकेट रोस्टेड सेवैयाँ ली हैं, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। उसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। दोनों पैकेट एक साथ क्रश नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हम इनको हाफ ऑफ करके क्रश कर लेंगे। अब हम एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून घी लेंगे। इसकी जगह आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें क्रश की हुई सेवैयाँ डाल देंगे, जिसे हम रोस्ट करेंगे। हल्का सा ही रोस्ट करना है इसे, लो फ्लेम पर। सेवैयों में हम 3 से 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने इसमें अलग से चाशनी नहीं बनाई है, इसलिए हम सेवैयों के साथ ही पाउडर शुगर को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। इसे भी हम सेवैयों के साथ ही मिक्स कर देंगे। ये सारा काम आपको लो फ्लेम पर ही करना है, क्योंकि अगर आप इसको हाई कर देंगे तो जो हमारी सेवैयाँ हैं वो नीचे से जल जाएंगी और उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। अब सेवैयाँ रेडी हैं, इसे हम एक साइड पर प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में हम 1 लीटर दूध लेंगे, उसे हम गर्म कर लेंगे। जब तक दूध गर्म होता है, हम अगली तैयारी कर लेते हैं। 1 कटोरी में हम ठंडा दूध लेंगे, उसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है, आप कस्टर्ड की जगह कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इसमें मुझे किसी और एसेस को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको वनीला एसेस या फिर केवड़ा एसेस, जो भी आपके पास हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर दूध भी गर्म हो चुका है, इसमें हम पाउडर शुगर डालेंगे। जितना आपका टेस्ट हो आप उतना शुगर डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब जो कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था, हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे और साथ साथ में मिक्स भी करते जाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब हम दूध में 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे, उसे भी दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम कुक करेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। कस्टर्ड अब रेडी हो चुका है, हम नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब एक बाउल लेना है,
जो सेवैयाँ हमने रोस्ट करी थी उसकी एक लेयर हम इसमें नीचे बनाएंगे और थोड़ी मोटी लेयर बनानी है आपको। साथ साथ में इसको आपको प्रेस करते जाना है ताकि एक फाइन लेयर बन सके। अब सेकेंड लेयर हमें इसके ऊपर कस्टर्ड की बनानी है। हमें अच्छे से इसके ऊपर कस्टर्ड का मिक्सचर पोर करना है और सेवइयों की लेयर को ढक देना है अच्छे से। थर्ड लेयर हम फिर से इसमें सेवइयों की ही बनाएंगे और इससे भी अच्छे से फैला देना है ताकि जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो नजर ना आए। फोर्थ लेयर फिर से हम कस्टर्ड की ही बनाएंगे। देखिए ऐसे अच्छे से फिर से पोर करना है आपको कस्टर्ड को। इसके बाद जो हमारी बची हुई सेवइयाँ हैं उसकी भी एक और लेयर हम ऊपर से लगा देंगे। लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने बादाम लिया है, काजू लिया है, अखरोट लिया है, पिस्ता लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है, जो आपके पास है, आप उसी से उसको गार्निश कर सकते हैं। इसके बाद इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आपको नाफॉक सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए लेयर को नाफा कितना अच्छा लग रहा है। इसकी जो लेयर्स हमने बनाई है यमी लग रही हैं। जब आप इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर ये रेडी हो जाता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।